क्या इलेक्ट्रिक का मामला है, ये पूरा माफियाई तर्ज अमल है कि अगर इनको आरएलएनजी के ऊपर गैस पे चलाना पड़ जाए तो ये परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हम नहीं चला सकते। ये चाहते हैं कि इनको गैस भी बगैर किसी मुआहदे के मिलती रहे। ये चाहते हैं कि इनको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर ऑयल के प्राइस की बुनियाद के ऊपर पैसे हर महीने ये बढ़ाते रहें, इनको नेप्रा इनको फैसिलिटेट करता रहे। और ये चाहते हैं कि जहां चाहे लोड शेडिंग करें, जहां चाहे जो है वो ओवर बिलिंग करें और कोई पूछने वाला ना हो। और सारी हुकूमतें क्या इलेक्ट्रिक को सपोर्ट फराहम करती हैं। जमात इस्लामी ने इसके खिलाफ मौसर आवाज उठाई है। हमारा मुतालबा है कि क्या इलेक्ट्रिक के जिम्मे कराची के अवाम के 42 अरब रुपए क्लॉबैक की मद के मौजूद हैं। ये पैसे अगले महीने में वापस होने चाहिए और इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, इनका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। और इस फॉरेंसिक ऑडिट में हर हुकूमत के जो वज़ीरे आज़म या हर हुकूमत के जो पार्टी के लोग इसमें शरीक हैं जुर्म के अंदर, इनके साथ मनी लॉन्ड्रिंग में, इनके साथ जो है वो फंडिंग में और फंड लेकर जो है इनको फैसिलिटेट करने में, उस सब का फॉरेंसिक ऑडिट हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन दयानतदार है और कौन करप्ट है।